अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान, कैरियर्स हेल्प डेस्क की जानिब से। जो आज की वीडियो में आप लोगों ने बताएगा कि आपने KUST सऊदी अरेबिया यूनिवर्सिटी, किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें आपने कैसे अप्लाई करना है। तो आज की वीडियो में इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो इसको अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आपको जिस हिसाब से भी जो भी चाहिए हो इन्फॉर्मेशन कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, नेशनल इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशंस के हवाले से, तो आपने क्या विजिट करना है, www.careershelpdesk.com। जब आप ये क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी, जैसा कि आप देख रहे हैं लेटेस्ट स्कॉलरशिप आपके सामने स्लाइड्स कर रहे हैं। आपको जिस लेवल का स्कॉलरशिप चाहिए आप क्लिक कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट, मास्टर, पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, जिस कंट्री का चाहिए आप क्लिक कर सकते हैं, चाइना, फलां, जर्मनी, साउथ कोरिया, जो भी है। इसके अलावा यहाँ पे स्कॉलरशिप ग्रुप वाइज भी है, एशिया, यूरोप, यूके, यूएस, कनाडा, जिस पर भी आप क्लिक करेंगे आपके पास तमाम डाटा अवेलेबल होगा और आप वन बाय वन चेक कर सकते हैं। मैं मोहम्मद उस्मान जो कोशिश करता है कि आप तक ऑथेंटिक न्यूज और रियल न्यूज, एक से एक वर्ड भी जो हो वो सच हो, कोई उसके अंदर जो है गलत बयानी ना हो, ताकि आप लोग अपने कैरियर के लिए मेहनत कर सकें। तो आपने क्या करना है, इस वेबसाइट को विजिट करना है और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि हमारी इंफॉर्मेशन आप तक या बाकी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी मेन पोस्ट की तरफ। तो KUST किसके एब्रीवेशन है, किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट मैक्सिमम का मतलब क्या है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है, बहुत सारे से मुराद मैक्सिमम है, साइंस रिलेटेड है, कुछ इंजीनियरिंग भी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से है। लेवल क्या है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एमएस है, पीएचडी है और एमएस लीडिंग टू पीएचडी भी है। अवार्ड फुली फंडेड है। एक्सेस मोड का मतलब होता है कि आपने अप्लाई कैसे करना है, वो ऑनलाइन है। नंबर ऑफ अवार्ड्स नॉट नोन, नेशनलिटी इंटरनेशनल, और जो है डेडलाइन गिवन नहीं है, जस्ट इतना ओपन है ऑफिशियल साइट पे कि एप्लीकेशन आर ओपन फॉर स्प्रिंग एंड फॉल 2020। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंटरनेशनल स्टूडेंट होना चाहिए, मिनिमम CGPA 3.5 होनी चाहिए और 3.5 से ज्यादा हो या इतनी हो इससे कम ना हो। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड क्या है, ये आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको यहाँ से ना मिले। तो मैं आपको जो मेन मकसद है वो आपको ये बताना है कि आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कैसे करना है। तो मैं जल्दी से डाटा कवर कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ से रीड आउट कर ले, और मैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ जाता हूँ, क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है, क्या चीज नहीं रिक्वायर्ड, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इस यूनिवर्सिटी के लिए सऊदी अरेबिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं या अरब ममालिक में, वो आइट्स, टफल या GRE को प्रेफर करती हैं। जिनके पास ये इंग्लिश टेस्ट हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा कि वो यहाँ पे अप्लाई करें। अब इसमें अप्लाई कैसे कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई। जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ये इस तरह से पोर्टल सामने होगा। इससे पहले मैं आपको बेनिफिट्स बताना चाहूंगा कि ये अवार्ड क्या है। फुली फंडेड है, फुल ट्यूशन फीस होगा, मंथली अलाउंस होगा, क्वालिफिकेशन हाउसिंग होगी, मेडिकल एंड दी डेंटल कवरेज होगी और रिलोकेशन सपोर्ट भी आपको दी जाएगी। नीचे यहाँ पे लिंक गिवन है, क्लिक हियर टू अप्लाई, सेम ही एडमिशन पोर्टल आपके सामने शो होगा, क्लिक हियर टू सी ऑफिशियल अनाउंसमेंट, सेम आपके पास स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट शो होगी। तो जैसे ही आपके पास ये आएगा आपने उस पर क्लिक करना है, जैसे कि आया था उस पर क्लिक करने के बाद ये आपका रजिस्ट्रेशन, जिसको हम साइन अप या अकाउंट क्रिएशन फॉर्म बोलते हैं, आपने इस फॉर्म को फिल करना है। बहुत आसान है, लास्ट नेम फर्स्ट नेम, जैसा कि आपको पता है जिसके सामने स्टेरिक बना हुआ होता है वो आपके लिए कंपल्सरी होता है, मतलब कि उस फील्ड को आपने लाजमी फिलअप करना होता है। तो ये डेट ऑफ बर्थ है, वेरीफाई यूर ईमेल, इंटरेस्ट से मुराद आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं, एमएस के लिए, पीएचडी के लिए या पीएचडी टू एमएस, जो भी है आप यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे। अपना सेमेस्टर, लॉगिन इन्फॉर्मेशन, ईमेल देंगे, पासवर्ड देंगे, इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक क्लिक के करने के बाद सबमिट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा कि आपके पास एक इस तरह से आएगा कि क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, आप यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस देंगे और पासवर्ड देंगे, मतलब कि लॉगिन करेंगे एडमिशन पोर्टल पे। सेम वहीं पे जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपके सामने ब्लू कलर में आएगा क्लिक हियर। तो यहाँ पे आपके सामने होगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे लिखा हुआ होगा, नॉट स्टार्टेड यहाँ पे लिखा होगा स्टार्ट एप्लीकेशन, आपने स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये कुछ डिटेल्स और इंस्ट्रक्शन है जैसा कि लिखा हुआ है, जिसके ऊपर रेड स्टैरिक होगा इसका मतलब है वो कंपल्सरी फील्ड है। तो मैं आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करता चला जाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या फिल करना होता है, क्या नहीं करना होता। तो मेरी कोशिश होगी कि हमारी वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बने ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी
आसानी हो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी पे, प्रोग्राम ऑफ स्टडी पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे, वो जस्ट आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। डिग्री टाइप एम एस, वुड यू कंसिडर एन ऑफर टू एन एम एस डिग्री फॉर एम एस टू पी एच डी ट्रैक एप्लीकेंट फुल नेम, मतलब कि कोई ऐसी है जो आप एम एस के बाद पी एच डी भी करना चाहते हैं, जिसको हम एम एस टू एम एस लीडिंग टू पी एच डी का नाम देते हैं। अगर आप येस पे क्लिक करेंगे तो भी ठीक है, अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो भी ठीक है। तो ये मेरे क्लिक करने की वजह से जो है मेरा फॉर्म बैक चला गया दूसरे पोर्शन पे। तो आपने यहाँ से अपना जो भी सिलेक्ट करना है आप वो करेंगे, येस या नो, यहाँ से प्रोग्राम आपका आएगा जिसमें भी आप करना चाहते हैं, सेम वैसे स्पेशलाइजेशन आएगी और विच ईयर क्या आएगा, यहाँ पे फॉल लिखा हुआ है सेम ऐसे ही। ये पता नहीं क्या हो रहा है, खुद ब खुद जो है फॉर्म बैक जा रहा है, शायद माउस का प्रॉब्लम आया हुआ, चलें जो भी है। तो फैकल्टी इंटरेस्ट, फैकल्टी इंटरेस्ट की बात ये होती है कि जैसा कि आपको पता होगा एक्सेप्टेंस लेटर हम मोस्टली जगहों पे यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक्सेप्टेंस लेटर तो नहीं चाहिए, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि क्या आपका किसी फैकल्टी मेंबर के साथ कॉन्टेक्ट है, कि आप थ्रू ईमेल किसी प्रोफेसर मेंबर से, किसी फैकल्टी मेंबर से कॉन्टेक्ट में हैं फॉर योर रिसर्च, फर्दर रिसर्च। अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर दें, अगर हैं तो आप यस पे क्लिक करें। मेरी रिकमेंडेशन आपसे ये होगी कि आप कोशिश करें किसी भी एक प्रोफेसर से जो आपसे रिसर्च मैच करता हो आपकी फील्ड से, तो आप जो है उनको कंसेंट लेटर के लिए या एक्सेप्टेंस लेटर के लिए जो है आप उनको सेंड करें, ताकि क्या हो कि आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाए। वैसे तो ये ऑप्शनल है लेकिन आपके लिए चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। आप फील्ड कौन कौन सी है आप देख लें, अप्लाइड मैथ, अप्लाइड फिजिक्स, बायो इंजीनियरिंग, बायो साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, इलेक्ट्रिकल, एनर्जी, इन्वायरमेंटल, मैरीन, मटेरियल, मैकेनिकल, प्लांट साइंस एंड और भी बहुत कुछ। तो अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो आपने ये चीज फिल नहीं करनी, अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे चीज फिल करेंगे। एप्लीकेशन डेडलाइन बहुत ज्यादा, तो आप क्या कर सकते हैं किसी भी फैकल्टी मेंबर से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या आप पहले यहाँ पे पढ़े हैं, आपने नो पे क्लिक कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू। तो इसके बाद है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप से ये मुराद होता है कि आपको सपोर्ट कौन करता है, सपोर्ट कौन करता है से मुराद ये कि आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कौन बेयर करेगा। इफ यू नीड हेल्प कंप्लीटिंग दिस सेशन प्लीज रेफर टू दी एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस, की आप वहां से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड पार्टी स्पॉन्सरशिप मीन्स दैट यू हैव बीन अवार्डेड अ स्कॉलरशिप फ्रॉम एन आउटसाइड एंटिटी, अरामको, सैबिक, डाओ केमिकल, एटीसी टू कंप्लीट योर स्टडी एट कॉस्ट। आपने क्या करना है यहाँ पे नो कर देना है, क्योंकि आप के ए यू एस टी किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास कोई फर्दर या कोई एक्सटर्नल फंडिंग आपके पास नहीं है। तो ये करने के बाद आप जाएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। जो मेन इसका सेक्शन है ना वो एजुकेशन में कुछ है, जहां पे लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं आपको वो बताऊंगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप फिलअप कर सकते हैं, कोई ज्यादा ऐसी मुश्किल नहीं है। एप्लीकेंट नेम है, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, डेट ऑफ बर्थ आपने देना है, डेट ऑफ कैलेंडर, जेंडर आपका क्या है, सिटीजनशिप क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए फिलअप नहीं करना, अगर आप मैरिड हैं तो, अगर कोई आपके पास आपके बच्चे हैं तो आपने वो फिल करना है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आईडी कार्ड नंबर आपका क्या है, जैसे कि लिखा हुआ है नेशनल आईडी नंबर फॉर सऊदी एप्लीकेंट्स ओनली, तो ये आपके लिए नहीं है। नेशनल आईडी एक्सपायरी, ये सऊदी के लिए है, आपके लिए नहीं है। नीचे लिखा हुआ है पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट डिटेल, पासपोर्ट एक्सपायरी, पासपोर्ट स्कैन, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। नीचे फिर आ रहा है आई क्यू ए एम ए आईडी नंबर, ये जस्ट सऊदी रेजिडेंस के लिए है। तो आपने इसको एक बार रीड आउट कर लेना है, क्वेश्चन नहीं करने के, सर ये क्या चीज है, जबकि लिखा हुआ है कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पासपोर्ट नंबर। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, जहां पे मोस्टली टेम्परेरी एड्रेस आपका क्या है, परमानेंट एड्रेस आपका क्या है, आप जस्ट वो बताते हैं, आपका ईमेल एड्रेस क्या है आपने वो बताना है, आपकी स्टेट क्या है, आपका पोस्टल कोड क्या है, आपका कंट्री क्या है, आपका सिटी क्या है, आप जस्ट यहाँ पे वो बताएंगे। इसके अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको समझ ना आए। मैं ये इसलिए आपको नहीं बता रहा, जनरल चीजें हमने काफी वीडियोस में ये बताई हुई हैं और आप लोग भी अप्लाई कर करके आपको आइडिया हो गया होगा। तो इसलिए मैं मेन जो है हमारा टॉपिक मैं उस पर जाना चाहता हूँ, जो मेन इस एप्लीकेशन का थीम है, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपनी वीडियो में सब कुछ कवर कर लें। अब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट क्या होता है कि अगर बाय चांस किसी भी वजह से आपसे यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही, आपका मोबाइल स्विच ऑफ है, आपको मिसिंग है, जो भी है, तो ऐसा कोई पर्सन जिससे यूनिवर्सिटी आपके बारे में कॉन्टैक्ट कर सके कि उससे हमारा रब्ता नहीं हो पा रहा, काइंडली आप रब्ता करें, तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आप किसी का भी यहाँ पे दे सकते हैं। रिलेशन में आपका ब्रदर, सिस्टर, मदर, आपके फादर, जो भी जिसका आप देना चाहें आप यहाँ पे डिटेल देंगे। रिलेशनशिप क्या है बताएंगे, फादर है, मदर है, ब्रदर है, फर्स्ट नेम उनका क्या है, लास्ट नेम क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, मोबाइल फोन क्या है, तो आप यहाँ पे उनकी ये सब डिटेल देंगे। सेम ऐसे ही अगर इसकी ज्यादा देनी है तो आप नीचे दूसरा फॉर्म वैसे ही है। प्रीवियस एजुकेशन,
प्रीवियस एजुकेशन से मुराद ये कि आपने क्या किया हुआ है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब जो मेन चीज यहाँ पे है ना, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपकी डिग्री टाइप है, मतलब कि आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं BA, BA, RCS, BBA, Bachelor of Engineering, BFA, BS, BTEC, जो भी है आप यहाँ पे अगर सेलेक्ट करते हैं, जो भी आपका था मेजर आपने केमिकल इंजीनियरिंग, जो मेन चीज यहाँ पे है, लोगों को प्रॉब्लम आएगी, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ ताकि जो है ना जनरल चीजें आप अपने पुराएंगे, जो मेन चीज है वो है यहाँ पे लुकअप, मतलब के कोड, कॉलेज कोड, आपका कॉलेज कोड जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो कॉलेज कोड ऑटोमेटिक आएगा। अब कॉलेज कोड के लिए आपने क्या करना है, आपने जस्ट अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है, जस्ट आपने नेम लिखना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, और आपने कंट्री सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे, सॉरी ये पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो आप सर्च पर क्लिक करेंगे, आपके पास कोड आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूं कैसे आता है। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन है LUEU, आपने इसको इग्नोर करना है, ये यूरोपियन यूनियन के कोड होते हैं, हमारे नहीं है। तो आपने पाकिस्तान पर सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे, सर्च पे क्लिक होने के बाद ये देखिए वो सामने आपके कोड आ गया, क्लिक ऑन दी एप्रोप्रिएट आइटम टू सिलेक्ट एंड रिटर्न टू दी फॉर्म। ये आपने ये देख रहे हैं, ये आप कोड देख रहे होंगे, ये कोड लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात पाकिस्तान, आपने इस पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक मेरा कोड यहाँ पे आ गया है, मेरा यूनि का नेम भी आ गया है। ऐसे ही कंट्री आप सिलेक्ट कर लेंगे, स्टेट आपका क्या है, सिटी क्या है, पोस्टल कोड क्या है, आपने कब से कब तक आपकी डिग्री है, एक्चुअल एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट, आप ग्रेजुएट कब हुए, ओवरऑल ओरिजिनल ग्रेड एज रिपोर्टेड ऑन यूर ट्रांसक्रिप्ट, आपकी कितनी CGPA है, आउट ऑफ कितनी में से है, इज द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश, आपने येस पे क्लिक कर देना है, येस इट वॉज इंग्लिश। इसके बाद आपने यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट जो है आपने एड करनी है, लेटेस्ट जो भी आपकी है आपने उसको किस फॉर्म में होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में, PDF फॉर्म में, एक्सेल फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में, तो आपने यहाँ पे अपनी वो अपलोड करनी है। इसके बाद है इफ यू रिस्पॉन्स, इफ यस प्लीज एड्रेस, यहाँ पे लिखा हुआ हैव यू एवर बीन डिसमिस्ड और सस्पेंडेड फ्रॉम एन एकेडमिक, आपने नो पे क्लिक कर देना है कि मैं नहीं हुआ। तो एडिशनल कॉलेज और यूनिवर्सिटी जब आप वो फिल कर लेंगे तो यहाँ पे एडिशनल आ गया कि आप, जैसा कि आपको पता है जो MS के लिए अप्लाई करेगा वो यहाँ पे बैचलर की देगा, जो PhD के लिए अप्लाई कर रहा होगा वो अदर दोनों ही देगा, बैचलर की भी इंफॉर्मेशन देगा और PhD की भी देगा। तो यहाँ पे आप मास्टर की अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, जैसा कि लिखा हुआ है MPhil, MSW, MS, MTech, PhD जो भी है आप यहाँ से वो सेलेक्ट करके सेम वैसे ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे लुकअप जो आपका कॉलेज कोड है वो आपने कैसे सर्च करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, इसके बाद सेक्शन है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज एंड रिज्यूमे, ये लेफ्ट साइड पे आपको जो है अपनी एप्लीकेशन के सेक्शन नजर आ रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे, एप्लीकेशन डिटेल, पर्पज ऑफ स्टडी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, स्पॉन्सरशिप, ये आप देख रहे हैं। तो ऐसे ही अब यहाँ पे ही आपका आ गया स्टेटमेंट ऑफ पर्पज एंड एकेडमिक रिज्यूमे, आपने यहाँ पे अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज और एकेडमिक रिज्यूमे को अपलोड करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। इसके बाद आ जाता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का जैसा कि मैंने बताया था कि टफल, आइट्स, GRE जो भी आपके पास टेस्ट हैं आपको वो हेल्प आउट कर सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन को कौन स्ट्रॉन्ग बना सकता है, आइट्स, टफल, GRE स्कोर। दूसरा जो बड़ी चीज है जो आपको उसको बना सकती है वो बनता है फैकल्टी से राबता, फैकल्टी से कॉन्टेक्ट में जो भी है। हैव यू टेकन द GRE एग्जाम, नो, जब आप नो पे क्लिक करेंगे आपने ये चीज फिल अप नहीं करनी। डू यू प्लान टू टेक अ GRE इन द फ्यूचर, अगर आप देना चाहते हैं तो यस, नहीं देना चाहते देन यू नो। इंग्लिश टेस्ट स्कोर, इज योर नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश आर नो, अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपको इन टेस्ट की जरूरत नहीं है, अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो आपको इनमें से वन ऑफ देम आपको जो है टेस्ट की जरूरत होगी। IBT ये भी टफल है, PBT ये भी टफल है, यहाँ पे आइट्स आ गया, सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन भी यहाँ पे है। इसके बाद आ जाएगा रिसर्च पोस्टर्स एंड दी पब्लिकेशंस, मतलब कि आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताएंगे जो आपकी प्रोफाइल में हों, एदर वो पब्लिकेशंस की फॉर्म में हो, एदर वो पोस्टर्स की फॉर्म में हो या कुछ भी हो। डू यू हैव एनी लैब रिसर्च एक्सपीरियंस, यस, अगर आपके पास है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, यस करने के बाद आप यहाँ पे थोड़े से उसकी डिटेल देंगे। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आपका क्या बनता है, पोस्टल पब्लिकेशन रिसर्च क्या थी, मतलब कि जो आपको सर्टिफिकेट मिला हो, पोस्टल कंपटीशन था, पब्लिकेशन थी, रिसर्च था, जो भी था वो करेंगे। नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट आप लिखेंगे, जैसा कि अक्सर मोस्टली सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, जितनी भी आपकी हैं आप वन बाय वन यहाँ पे उसको एडअप कर देंगे। अगर नहीं है तो आपने इसको नो पे क्लिक करने के बाद ब्लैंक छोड़ देना। अदर इंफॉर्मेशन, जब आप अदर इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं,
अदर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद उसने क्या पूछा, प्लीज एंटर योर कास्ट आईडी इफ यू हैव प्रीवियसली बीन अ साइड वन। आपने नहीं किया आपने नो कर देना क्योंकि आपके लिए नहीं है। इज एनी फैमिली मेंबर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कास्ट, आपने नो पे क्लिक कर देना। इफ यस तो आप डिटेल देंगे। हाउ डिड यू हियर अबाउट दी KUST, कहां से आपने देखा, एडवर्टाइजिंग है, कास्ट फैकल्टी है, करंट है, जो भी आपने वो करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये थी आपकी एप्लीकेशन, कंप्लीट एप्लीकेशन। इसको करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब इंपॉर्टेंट लिंक्स आए हुए हैं रिकमेंडेशंस, यानी कि जैसा कि बताया, यहाँ पे आने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देनी है। यहाँ से ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। यहाँ से आप अपनी चेक योर एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाद में आ जाता है रिकमेंडेशंस। अगर आप रिकमेंडेशंस पे क्लिक करेंगे, रिकमेंडेशंस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये लिखा हुआ है, देखें रिकमेंडेशंस प्रोवाइडर लिस्ट। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपने रिकमेंडेशंस जो भी हैं, आपकी रेफरी जो भी आपके हैं, आप उनको ऐड करेंगे। योर रिकमेंडेड विल ऑटोमेटिकली बी मैच टू योर एप्लीकेशन अपॉन सबमिशन, के जो है आपकी जो है ये ऐड होने चाहिए, सेम होने चाहिए, आप इनसे ज्यादा ना पढ़ेंगे। सेम इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लेनी है, ऐड अ प्रोवाइडर, भाई कौन जो है आपका सबमिशन करेगा, ऐड अ रिकमेंडेड प्रोवाइडर, सेम ऐसे ही आ गया। आप अपने जो आपका रेफरेंस लेटर जहाँ से आपने बनवाए हैं, रिकमेंडेशन लेटर आपने जहाँ से बनवाए हैं, आपने वो इनको फिल करना है। आपका नेम, फर्स्ट नेम, उनका स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, कंट्री, पाकिस्तान, जो भी है, नंबर्स ओनली, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने इसको फिल करना है। इफ यू वुड लाइक टू इंक्लूड अ पर्सनल रोल टू द नोटिफिकेशन ईमेल दैट इज डिलीवर्ड, प्लीज यूज द स्पेस बिलो। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है आपकी। इसके बाद, इसके करने के बाद आप चेक योर एप्लीकेशन पे आएंगे। चेक योर एप्लीकेशन से क्या होगा, जो जो आपने डाटा फिलअप किया है वो तमाम एक किस्म का रिव्यू की फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं ना कि एप्लीकेशन रिव्यू, तो आपने क्या करना है, ये सारे डाटा फिल करना है, रिकमेंडेशन को फिल करना है। रिकमेंडेशन में पहले जो मैंने बताया कि सबमिट, आपने सबमिट नहीं करनी, आपने तमाम लिंक्स गिवन है रिकमेंडेशन तक, आपने क्लियर केयरफुली इनको फिलअप करना है। फिर चेक योर एप्लीकेशन, जो जो आपने डाटा फिल किया वो तमाम डाटा यहाँ पे एज अ रिव्यू, रिव्यू की फॉर्म में आपके पास यहाँ पे सामने शो होगा। इसके बाद क्या करना है, जब आप देखेंगे मेरी एप्लीकेशन सही है, मैंने सब कुछ ठीक किया है और जो है सब कुछ जो है कोई चीज़ मिसिंग नहीं है, तो देन आपने क्या करना है, इसको सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस पे मैंने क्लिक किया ताकि आप एक बार रीड आउट कर लें, स्टार्ट करने से पहले भी आप इसको रीड आउट कर सकते हैं ताकि आपको पता हो। जैसा कि लिखें, ये सेम वैसे ही आ गया है, जैसे मैंने इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक किया ये आपके पास आ गया। एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस आप क्लिक करेंगे, प्रोग्राम ऑफ स्टडी करेंगे, स्पॉन्सरशिप में आपने क्या करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या फिल करना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या करना है, तो यहाँ पे एजुकेशन में जस्ट वही लिखा हुआ है कि आपने क्या क्या करना है। इसके बाद करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो जब आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि जब हम स्टार्ट पे जाते हैं एप्लीकेशन पे, जब मैं इस पे जाऊँगा तो यहाँ पे आपको आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस भी नजर आएगा। तो जैसा कि यहाँ पे नहीं है, मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट करने के बाद लॉग इन करूंगा ताकि आप अपना स्टेटस भी चेकअप कर सकें अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद, कि हमारी एप्लीकेशन का इस वक्त स्टेटस क्या है, एदर एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, रिव्यू, इंटरव्यू क्या है। तो वो जो है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि हमने स्टार्ट में देखा था, यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस नीचे लिखा हुआ आ रहा था। तो मैं इसको लॉग आउट करने के बाद दोबारा से लॉग इन करूंगा तो मेरे ख्याल से नेट प्रॉब्लम है या एडमिशन पोर्टल का कोई प्रॉब्लम है, सर्वर डाउन जाना है, नॉट श्योर। तो जैसे ही आप इसको लॉग आउट करने के बाद, सबमिट करने के बाद जब आप लॉग इन करेंगे तो सामने ही आपको अपना एप्लीकेशन का स्टेटस नजर आएगा, सबमिटेड अभी तो, क्योंकि एप्लीकेशन खत्म होने के बाद वो स्टेटस चेंज होंगे, एप्लीकेशन रिव्यू होंगी, सब कुछ होंगी। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने कोशिश करनी है एप्लीकेशन बनाने से पहले कि आप किसी फैकल्टी मेंबर से सर्च करने के बाद यूनिवर्सिटी में उनसे कॉन्टैक्ट कर लें अपने रिसर्च के मुताबिक। हो सकता है उससे कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको इंग्लिश जो टेस्ट हैं आइट्स, टफल, जीआरई, इनसे भी एग्जाम्पशन मिल जाए, तो आप उन्हें वो करना है। अगर नहीं भी होता देन आपने जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया गया आपने वैसे अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देनी है। तो दुआओं में याद रखिएगा और हमारे इन पोस्ट को, हमारे इस वेबसाइट को, हमारे यूट्यूब चैनल को आप शेयर करना ना भूलें, फेसबुक पे शेयर करें, ट्विटर पे करें, लिंक्डइन पे करें, जहाँ पे भी आपको लगे, तो ताकि आपके एक शेयर से हो सकता है किसी एक स्टूडेंट का, किसी एक कुलीग का जो है फ़ायदा हो जाए और वो एक्सेप्ट हो जाए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ मोहम्मद उस्मान, अल्लाह हाफिज़।